ऊपर फोर्ट देखते हैं, ऊपर है हमारा, ये रहा यही तिरंगे, हम लोग यहाँ तक आए हैं। कहाँ चुप गया, ये रहा सामने है स्टैचू महाराणा प्रताप जी की। और साथ में है एक फैशन फैंसी ड्रेस एंड यू कैन हैव फोटोग्राफ हियर, फ्रिज मैग्नेट्स फॉर अ टोकन ऑफ मेमोरी, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बाय इट। ये रहे दूर के किले, मंदिर है ऊपर। यहाँ पे स्टैचू के नीचे है बैटल ऑफ हल्दीघाट, प्रे किया हुआ है। अभी कितना विजिबल है आई डोंट नो, बट लेट्स जस्ट ज़ूम इट। हाँ, इस पे ये बना हुआ है प्रॉपरली, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। एंड आर ग्रेट वॉरियर never got defeated, misquoted in the books, but he was really a brave personality who was not defeated by anybody. So battle of Haldighati was like a remarkable one achievement, where it has been proved that Mughals can't defeat any warrior, Rajputanas ko harana impossible hai. यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ महाराणा प्रताप, यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज बर्थ 9th May 1540 एंड रिमेनिंग डिटेल्स आर आल्सो देयर ऑन द अदर साइड। ये है, दिस इज सूर्यवंशी एक्चुअली, तो यहाँ पे सूर्य देव है पर राणा प्रताप जी हैं। एंड रिमेनिंग इज हिस्ट्री, दैट इज द ग्रेट हिस्ट्री, दैट हाउ नो इन्वेडर कुड डिफीट अस। और साम पहाड़, लेक, ये वही लेक है जिसके पास में हमने लिया है, क्या नाम है, फतेह लेक। आप गए ये स्टैचू से थोड़ा नीचे निकल के ना, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर हमने पहाड़ों वाली मैगी वाले मज़े लिए। पता नहीं समाओ मैगी वैसे तो अच्छी लगती है, लेकिन जो पहाड़ों पे यानी ऊंचाई पे या बाहर जाके जो मैगी का टेस्ट आता है ना, बहुत सिंपल सी बनाते हैं, कुछ ऐसे कुछ खास नहीं करते, बट बहुत मज़ा आता है। वो वाली मैगी में ना ऐसा लगता है कि शायद दूसरे के हाथ का टेस्ट अच्छा होता है, या फिर सारा जादू जो है वो एम्बियंस का है। पर कुछ तो बात है, क्या आपको पहाड़ों वाली मैगी पसंद है? अगर पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज तक की आपकी फेवरेट मैगी ईटिंग डेस्टिनेशन क्या रही है। मैंने तो खैर शिमला में भी खाई है, मनाली में भी खाई है, यहाँ भी खा ली मैंने, तो पता लग रहा है कि हाँ पहाड़ों वाली मैगी में कुछ तो कमाल की चीज़ है। हाँ, अगर आपको मालूम है वो जादू जो मैगी में है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर। बाकी ऑल इन ऑल यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऊपर छोटी सी कैंटीन थी, मैगी खाई, मैगी हाय हाय, पहाड़ों में मैगी खाने की फीलिंग आ गई पूरी। बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं, और धूप तेज़ है, काफ़ी तेज़ है सच में, विंटर में भी इतनी तेज़ धूप, बट एडजस्ट हो जाता है क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी देर में छाँव में जा सकते हो। म्यूजियम में विजिट कर लिया जाए, बहुत ही वंडरफुली बना हुआ है। अभी हम जा रहे हैं वीर भवन में, तो ये महाराणा प्रताप स्मारक के अंदर ही है, तो इसमें जाके देखेंगे। यहाँ पे ना वॉरियर्स की वॉल्स स्टैचूज वगैरह बनी हुई है, तो उसको हम विटनेस करके आएंगे। अभी यहाँ पे लगी हुई है कुछ स्टैचूज, इज आर सो गुड, इतनी अच्छी बनी हुई है। सो दिस इज द स्टैचू एंड लुक एट द ग्लोरी, द चार्म व्हिच इज वेरी मच विजिबल। तो
यहाँ पे VSM में एंट्री होती है, आपकी जो एंट्री पासेज होते हैं ना, आपने मैंने जो स्टार्टिंग में टिकट ली थी यहाँ पे एंट्री का, वहाँ पे पूरे स्मारक में विजिट करने के लिए, तो वही एंट्री टिकट्स आपकी म्यूजियम में भी चल जाती है। जो लाइट एंड साउंड का शो था वो काफ़ी लेट था तो हमने उसकी टिकट्स नहीं ली थी। तो यहाँ पे म्यूजियम में फर्स्ट फ्लोर पे तो सिर्फ बुक स्टॉल है, उसके बाद डाउन स्टेयर्स आप आते हैं तो वहाँ पर आपको ये सब डिस्प्ले मिलता है, तलवारें, भाले, ढाल, उनकी पोशाक, और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा जो है नीचे बड़े जो इसका जो इनके किले हैं या जो इनकी सिटीज़ हैं जिनके फोर्टिफिकेशन हो रखी है, किला बंदी है, वो पूरा यहाँ पे मॉडल्स बने हुए हैं जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। इतनी भारी तलवार उठाना, हाँ बेटा, ये है भाला और ये ऑलमोस्ट 3 किलो का भाला है। ओ माय गॉड, आगे है पूरा किले का, एंड दीज आर द रियल पिलर्स। चलिए देखते हैं आगे, हाँ दिस इज सिटी पैलेस। दीज पैलेसेज आर नाउ डेज आर यूज्ड एज टूरिज्म प्लेसेस एज वेल एज द होटल्स, सो दैट इनकी मेंटेनेंस भी हो जाती है और साथ में ये बहुत अच्छे से जो है डिस्प्ले भी हो जाते हैं, सो दैट पीपल कैन जस्ट विजिट एंड सी देम। जा सकते हैं वहाँ पर कुछ पोर्शन जो प्राइवेटाइज किया गया ताकि लोग वहाँ पर स्टे भी कर सकें, कमर्शलाइजेशन भी कह सकते हैं। Just relaxing and sitting here. हाँ बैठूंगी बैठूंगी मैडम। और यहाँ पे हल्दी घाटी रण क्षेत्र, तो जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था वो क्षेत्र का यहाँ पे पूरा देखिए। इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू फाइट हियर। This is the location. So here they have displayed how the people used to, you know, mobilize. There used to be rivers. यहाँ पर जैसे ये river दिखा रखा है और साथ ही साथ जैसे अब इन पहाड़ियों पर चढ़ना घोड़ों के साथ, it's not an easy one which we imagine कि चलो it's so easy. No. और ये वो जगह दिखाई है यहाँ पर जहाँ पर कि जो है ये चेतक जो है स्मारक है जहाँ पर प्राण त्यागे और महाराणा जी की जान बचाई थी। तो ये आप सोचो कहाँ से वो दौड़ा होगा, ये यहाँ पर ये रीच करते हैं और ये दौड़ा होगा, सोचो ये ऊपर नीचे पहाड़ियों में से नदियों पर से कूद के सब कुछ ये दौड़ा होगा और ये यहाँ से पूरा बैटल फील्ड से, एंड दिस इज द बैटल फील्ड, सो नाइसली बीन डिपिक्टेड। और इसके ये चारों तरफ जो है रिवर फ्लो करती थी। सो दिस इज अ कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ हल्दी घाटी वॉर। यहाँ पे जो है सब गाथाएं लिखी गई हैं, सारी उनकी जीवन प्रारंभ से लेके अंत तक उनके जीवन का हर एक काल यहाँ पर लिखा गया है। ये यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था वो लिखा गया है। अकबर के साथ में जो ये लड़ाई हुई ये विदाउट अ रिजल्ट ही रही, तो इट वॉज़ ए लाइक चैलेंजिंग फाइट ओनली, तो इसमें कोई विक्टोरियस नहीं था, बट जो ब्रेवरी दिखाई थी उससे ये पता लगा था कि मुगल डायनेस्टी जो है वो हमेशा जीती नहीं है।
वो कभी इस एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाई। पढ़ना है और ये आगे लास्ट डिस्प्ले है चित्तौड़गढ़ का, तो एक मॉडल स्ट्रक्चर है पूरा किला। तो यहाँ पे जो है फोर्टिफिकेशन पूरा दिखाया है कि चित्तौड़ कितना बड़ा है और उसके चारों तरफ कैसे जो है किलाबंदी रखी गई थी। और एक किलाबंदी मेन रीज़न है कि जो राजपूतानाज हैं, जो राजस्थान के वॉरियर्स हैं या रूलर्स हैं, राजा महाराजाज हैं, वो क्यों नहीं डिफीट हो सकते थे, क्योंकि उनकी फोर्टिफिकेशन उनकी USP थी, जिससे वो अपने रिसोर्सेज को भी सेव कर लेते थे फ्रॉम एनीथिंग लाइक नेचुरल कैलामिटीज और दी ह्यूमन कैलामिटीज। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो आसपास में पहाड़ी है और इसको फोर्टिफाई किए कर दिया, तो नाउ इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क। इवन द एनिमी कैन नॉट यू नो हैव देयर दैट आर्मी अराउंड इट, बिकॉज वो ऊपर से वॉर कर मतलब उसको वॉरशिप को स्टार्ट करते थे, तो ऊपर से कोई चीज़ गिराई जाएगी तो ऑब्वियसली नीचे वाला तो हेल्पलेस हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट गेट्स ऑल्सो जहाँ से वो एंटर करते थे अपने किलों के अंदर। तो इसके अंदर देखो स्लोप है साइड्स में, सो दिस इज हाउ इट इज। यस ओके, यहाँ पर और कुछ एक तो जो ऐसे फोर्ट्स थे जिनमें चारों तरफ रिवर्स भी होती थी, जिसमें दे यूज टू बी लाइक क्रोकोडाइल्स और ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पर ये मेन ये रहे किले और ये यहाँ पर बसावट है, तो मेन स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक है। और ये किले नीचे यहाँ पर इस तरह से नीचे आते थे और ये ब्लू कलर का ये वाटर सोर्स है यहाँ पे। तो एक तरह से देखो तो पानी भी अंदर है, खेती भी अंदर है, लोग भी अंदर हैं, बिल्डिंग सारे अंदर है, तो इट्स ईजी टू प्रोटेक्ट एंड सर्वाइव इनसाइड। तो अगर महीनों तक भी वॉर चल जाती थी तो उसमें भी पूरे राज्य को सुरक्षित रखा जा सकता था। टेम्पल्स भी एवरीथिंग इज देयर। विजय स्तंभ है, ये बहुत ही फेमस है, इसका फोटो आपने बुक्स में देखा होगा, ये आपको मिलते हैं विजय स्तंभ है यहाँ पे। इसके साथ में भी कोई पूरा ऐसे किलाबंदी थी। सो दिस इज़ नॉट जस्ट चित्तौड़ बट एवरी सिटी, एवरी यू नो किंगडम इन राजस्थान हैड द सेम स्ट्रक्चर। सो इट वॉज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग सिचुएशन फॉर द रूलर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड गिव अ गुड फाइट बैक टू एनी एनिमी। सो दैट्स वाई द मुगल्स नेवर बीन एबल टू डिफीट दिस लैंड एट ऑल। हाँ, छोटे मोटे कुछ कॉम्प्रोमाइजेज ज़रूर हैं, बट ज़्यादातर आप देखोगे द हिस्ट्री इज हैविंग द फ्रीडम मच मोर देन द एक्सेप्टेंस। कुछ और चीज़ें ऊपर दिखाई हुई है ऊपर वाली पोर्शन में, लेट्स सी। दिस इज मॉडल ऑफ कुंभनगढ़ फोर्ट, सो दिस इज वेरी मच विजिबल क्योंकि मूवीज में काफ़ी दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये है कुंभन दुर्ग, and these small things here, these are the small pockets where the soldiers used to stand. The soldier जो है वो नीचे कूरस पे नज़र रखता था। Yes बेटा, and this is the main fort. तो यहाँ पर जो आपको टैग दिख रहे होंगे ये लिखा हुआ है जनाना महल और मर्दाना महल, इसका मतलब जनाना मतलब फीमेल्स, रानियों का महल, और यहाँ पुरुष। तो उधर इस तरीके से सेग्रीगेशन है। सो दिस इज़ ऑल टोटली डिपेंडिंग अपॉन द कल्चरल वैल्यूज़ वी हैव। ये है पीपल शाह जैन मंदिर, सूर्य मंदिर इज देयर। इफ़ यू सी एवरीथिंग व्हाटएवर इज़ रिक्वायर्ड, वाटर है, टेंपल्स हैं, एवरीथिंग इज़ इनसाइड दिस फोर्टिफिकेशन। सो दिस फोर्टिफिकेशन इज कम्प्लीटली गिविंग अ सेफ्टी यू नो मेजरमेंट, कम्प्लीटिंग द सेफ्टी मेजरमेंट। और ये छोटी छोटी पॉकेट यू कैन सी एवरीवेयर, ये रही ये रही, दीज आर द पॉइंट्स वेयर वी कैन कीप एन आई ऑन आर एनिमी। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच सिक्योर। और इसका किले का मेन किला देखो, वो खुद भी अपने आप में एक अलग से फोर्टिफिकेशन है उसके ऊपर, तो इस फोर्टिफिकेशन से डबल सिक्योर हो गया। तो यहाँ पर लोग भी सुरक्षित हैं और कोई आपके एंटर भी नहीं कर सकता। Now
लेट्स सी अनदर वन हॉल. दिस इज मेवाड़ गौरव एक याद सो फेमस. वी ऑल नो अबाउट मेवाड़ एक चित्र यात्रा. तो यहाँ पे फोटोज डिस्प्ले में है. चलिए देखते हैं. तो ये कितना प्यारा सा फोटो है. ये है बप्पा रावल जी. हियर इट इज. दिस इज दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छल से बंदी बनाए गए रावल रतन सिंह. तो ये यहाँ पे हिस्ट्री दी हुई है. सो यू कैन रीड इट एंड यू कैन जस्ट विजुअलाइज द थिंग्स. देन वी हैव अनदर वन. दिस इज रानी पद्मावती. रानी पद्मावती है. सो इन्होंने जौहर किया था टू कीप हर प्राइड. नेक्स्ट वन महाराणा. ये आपने नाम सारे सुने होंगे. महाराणा कुंभा जिनका पूरा नाम है महाराणा कुंभकर्ण. महाराणा कुंभा बोलते हैं. ये यहाँ पर जो है ये मीराबाई हैं कृष्ण भक्त. ये भी आपने बुक्स में पढ़ा होगा. फिर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है मीराबाई जी का. फिर ये एक और वॉरियर है यहाँ पे महाराणा संग्राम सिंह. यहाँ पे मीराबाई जी का भी यहाँ पे दिया हुआ है. डिटेलिंग दी हुई है. यहाँ पर एक फोटो दी है. ये है महाराज पृथ्वीराज राठौड़ के पत्र का सैनिक शिविर के उत्तर देते हुए महाराणा प्रताप जी. तो ये एक मेमोरेबल मतलब फोटो है जिसमें उनको दिखाया गया है कि कैसे वो हर एक चीज़ के लिए विचार करते थे जवाब देते थे. ये है जयमल राठौड़ एंड पत्ता सिसोदिया. तो सिसोदिया इज द सरनेम विच इज़ वेरी मच फेमस विच वी सी राठौड़ो. एंड वन मोर पर्सनैलिटीज हियर महाराणा उदय सिंह जी. ये एक फ़ोटो है जिस इज़ लाइक वेरी फेमस स्टोरी जिसमें कि जो सेविका होती हैं वो अपने पुत्र को जो है वो राजकुमार की जगह पे लिटा देती हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने पुत्र की बलि दे देती हैं एक तरह से. फिर उनको वो छुपा के वो प्रोटेक्ट करके आगे ले जाती हैं. तो ये भी इतिहास में एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है जिसकी स्टोरीज जो हैं जनरली हम लोग सुनते हैं. तो ये विचार विमर्श करते हुए ये रियल फोटो है. ये है महाराणा भूपाल सिंह की. तो ये क्योंकि अंग्रेज़ों का ज़माना था तो रियल फ़ोटोज़ भी आपको मिल जाएंगी. थोड़ा सा इसमें किया गया है कलाकारी चित्रकारी का प्रयोग किया गया है. फिर ये एक वॉर का फोटो है जो हल्दीघाटी युद्ध का है और डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है. यहाँ पर जो है भील योद्धाओं को जो है यहाँ पर समझाते हुए महाराणा प्रताप हैं क्योंकि जो जनजातियाँ भी हैं उन्होंने भी पूर्ण रूप से साथ दिया था महाराणा प्रताप का. तो यहाँ पर वो उनके साथ विचार विमर्श करते हुए हैं. पूजनीय है उनके लिए भी है. तो ये एक प्राइड है. ये एक और फोटो है जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है जो ईजिली अवेलेबल हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई तो फ़ोटोज़ क्लिक हो पाए. फिर कुछ और फोटो हैं जैसे ये यहाँ पर है महाराणा प्रताप का ही है जिसमें कि वो अकबर के सूबेदार को वापस लौटा देते हैं. ये उनका वॉरशिप का है हल्दीघाटी युद्ध में. फिर ये एक और. इसके साथ ही ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम हमने घूम लिया. ये ग्राउंड फ्लोर पे है जो स्टैचूज़ ये फ़ोटोज़ जो अभी दिखा रही हूँ मैं और पीछे जो किले बंदी वगैरह दिखा रखी थी वो बेसमेंट में है. तो ये दो ही फ्लोर हैं यहाँ पे. इसके अलावा बाहर स्टैचूज़ वगैरह बनी हुई हैं. तो ये पूरा हमने घूम लिया और उसके बाद हम बाहर निकल गए. पीकू वेस्ट पे बांध लो जैकेट को, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो पहन लेना.